पड़ेगा। बोले यदि ढूंढने की तो आवश्यकता नहीं, लेकिन तुम चाहो तो एक गुरु मात्र हम आपको दे सकते हैं। बोले चलो और इसके लिए भी घूमना पड़ेगा। बोले बहुत अच्छा हुआ। बोले बाबा तुम ही दे दो। तो दिलश्री नारद ने ध्रुव भक्त को दीक्षित किया और एक मंत्र दिया जो आज भी महामंत्रों में जिसकी संख्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोले पुत्र तो किसका जाप कर, एकांत स्थान पर बैठकर और तुम्हें बहुत ही जल्द भगवत प्राप्ति होगी। अब बालक ने नाम रखना शुरू किया। अब नाम काहे पर रखते, गुरु मंत्र की महिमा ऐसी होती है कि आप उसका मनन कर सकते हैं, परंतु गुरु भक्त बालक था इसलिए वो भजन करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए मेरे श्री हरि नारायण आए। बोले पुत्र हम तुम्हारे भजन से बहुत प्रसन्न, मांगो क्या मांगते हो। बोले भगवान यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें अपने गोद में बैठे। भगवान कहने लगे पुत्र गोद में तो बैठा लेंगे, तुमने इतना भजन सर्दी अवस्था में हमारा भजन किया है, मांगो और कुछ मांगो क्या चाहिए। अब बालक तो बालक, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी माँ ने हमको कहा है कि बेटा पर पूरा परमेश्वर की गोद में बैठो और भगवान हमको आपकी गोद में बैठना चाहते। बोले पुत्र आओ गोद में। गोद में बैठाया भगवान ने, फिर कहने लगे बेटा आप बताओ। गोद में बैठा दिया, आप बताओ क्या चाहते हो। बोले कहाँ कहाँ, कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी गोद चाहिए थी सुख मिल गई, और अब क्या है, कुछ नहीं। बोले पुत्र राज पाठ वैभव जो कुछ चाहिए तुम्हें मैं देवराज इंद्र भी बना सकता हूं, बताओ। क्योंकि इतने नन्ही अवस्था में भक्ति करने वाला मेरा
तुम्हारे वैद्य रक्त रखते हैं, मांगो कुछ मांगते हो। जिस प्रकार से एक साधारण बालक को चिड़िया जैसा स्वभाव होता है, एक चोंच भरी एक भरा, वैसे बालक को कुछ नहीं, क्योंकि बालक को इसलिए साक्षात भगवान का स्वरूप कहते हैं। बालक निर्विकार होते हैं, उनमें कोई विकार नहीं होते, और यदि यही भगवान बार बार किसी बड़े आदमी से, बड़े पुरुष से या स्त्री से कहे तो वो इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा ले भगवान को शायद पूरी ही ना। अब ये कथा किसी भागवत में, इस कलयुग में किसी भक्त ने सुनी कि भाई सच्चे लगन और श्रद्धा से यदि हम भगवान की भक्ति करें तो 3 महीने में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब हमारे कलयुग में भी साधारण भगत हैं, भोले भक्त हैं। अब एक के दिमाग में बैठ गया कि यदि तुम 3 महीने भगवान की भक्ति करो तो हो सकता है भगवान आ भी जाए। और टीवी वगैरह ज्यादा देखा करता था तो उसमें देखा कि ज्यादातर लोगों ने ब्रह्मदेव की पूजा की। ब्रह्मदेव चलते आते हैं, विष्णु देव को समय लग जाता है आने में, इसलिए उसने मन में ठाना कि ब्रह्मदेव की पूजा कर। अब भक्त अपना अन्न पानी सब कुछ छोड़कर ब्रह्मदेव की पूजा करने लग गया, तपस्या करने लग गया। 3 महीने बीते, ब्रह्मदेव ने सोचा कि कलयुग का भक्त है, कभी फिर ना जाए, इसलिए चलो जल्दी से। कलयुग में तपस्या करने वाला कौन मिलता है? कलयुग में तो भोगी है, योग्य कोई कोई है, बड़ी मुश्किल से भक्त मिला है, तो कहीं बेचारा बीच में छोड़ ना जाए, इसलिए चलो। 3 महीने में ही ब्रह्मदेव भक्त के पास आ गए, बोले बस आंखें खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। बोले वाह भगवान, क्या आप सच में ब्रह्मदेव हो? बोले पुत्र, वाकई में सच में हम ब्रह्मदेव हैं। बोले कहीं कोई स्वांग को रच के नहीं आए तो मैं रहो पियो हो? बोले नहीं भैया, विश्वास करो, जो कुछ मांगोगे सो देंगे, तब तो मान जाओगे कि ब्रह्मदेव हैं। बोले तो ठीक है। और बोले सुनो, तुमने 3 माह हमारा भजन किया है, इसलिए एक नहीं 3 वरदान मांगो, हम तुम्हें 3 वरदान देंगे। बोले ओहो, अब तो मौज हो गई भक्त की। तो भक्त के पास झोंपड़ी थी बेचारे के पास, गरीब था, तो कहने लगा ब्रह्मदेव आप मुझे एक बढ़िया सी कोठी दे दे। बोले तथा अस्तु, भरत की बढ़िया सी कोठी बन गई। फिर बोले भगवान कोठी तो दे गई, अब 2-4 गाड़ी भी दे दो। बोले तथा अस्तु, भरत के घर पे 4 गाड़ियां खड़ी हो गई। और 3रा वरदान मांगा कि भगवान अब 3 वरदान जब चाहे फिर मांग ले। 3रा वरदान जब हम चाहें फिर 3 वरदान फिर मांग। ब्रह्मदेव ने सोचा कि मैं तो ये सोचता था कि भक्त एक बार में 3 वरदान लेकर छोड़ देगा, इसने तो आगे का रेजुलेशन और कर लिया, पर मजबूरी वचन दिया था सो कह दिया तथा। और भक्त घर पे गया, कोठी भी बढ़िया, गाड़ी भी बढ़िया, और अंदर गया तो मां कुछ नहीं, केवल कोठी कोठी खड़ी है, गाड़ियों में तेल नहीं है, अब चलाए कैसे? ब्रह्मदेव को फिर आवाज लगाई, बोले हे ब्रह्मदेव। बोले हाँ, क्या है? बोले पहला वरदान तो ये दो कि मेरी कोठी में धन भरो तिजोरी में। बोले तथा अस्तु। बोले दूसरा ये दो कि मेरे घर में जो साजो सामान, बेड, कूलर, पंखा इत्यादि जो सामान है वो परिपूर्ण करो। बोले तथा अस्तु। और 3रा वरदान ये दो, 3 जब चाहे फिर मांग ले।
हर ब्रह्म देव के फंस गए कि ये बड़ी अजीब भक्त मिला कलयुग में, एक बार में लेके पीछा नहीं छोड़ रहा, आगे का रेजरे संकेत कर ले रहा है। बोले तथास्तु, अब धन भी हो गया, पूरी कोठी सामान से भर भी गई, कमी अब भी रह गई किसकी, भाई बगैर गृहस्थी के बगैर धर्म पत्नी के कैसा घर। अब फिर आवाज लगाई, बोले हे ब्रह्मदेव, बोले आप बताओ क्या है। बोले सुंदर सी कन्या से हमारा विवाह तो कराओ। बोले तथास्तु, विवाह हो गया। और बोले हमारे घर में बाल गोपालों की फौज लगा दो। बाल गोपाल हो गए, अब घर गृहस्थी आराम से हो गई, धन धान्य परिपूर्ण हो गया। और तीसरा वरदान ये दे दो कि तीन जब चाहे फिर मांग ले, अब आगे करेंगे सर फिर कर दिया। अब तो बेचारे ब्रह्मदेव चिंतित हो गए कि ऐसे तो अगर जो सृष्टि निर्माण का मेरे को कार्य दिया वो चलने वाला नहीं है, तो अब क्या हुआ भक्त के कि भक्त की विश्रांति एक दिन बारिश में भीगे सो बीमार हो गई। तब बीमार हो गई तो किसके पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाना चाहिए कि नहीं। परंतु भक्त कहाँ जाए, क्यों डॉक्टर के पास जाए, ऐसा लगे हा? वो तो फीस लेगा अपने, इसलिए फ्री के वैद्य है। बोले हे ब्रह्मदेव, आवाज लगा कि बोले आप बताओ क्या है। बोले हमारे धर्मपत्नी जी को ठीक करो। बोले तथास्तु, और बोले ये बारिश से बीमार हुई है, वर्षा से बीमार हुई है, आप इंद्रदेव को कहो कि हमारे गांव में बारिश ना करे। बोले तथास्तु, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहे तीन फिर अब आगे का रिजर्वेशन फिर पक्का कर लीजिए। अब ब्रह्मदेव ने सोचा कि यदि ये भक्त ऐसे ही करता रहा तो सिस्टम बिगड़ जाएगा, इसलिए श्री हरि नारायण के पास गए। बोले भगवान, किसी तरह से मेरे इन कलयुग के भक्तों से पिंड छुड़ाओ। बोले छोटे छोटे कार्यों के लिए मुझे बुलाता है। बोले धर्मपत्नी जी को जुकाम हो जाए तो हमें याद करता है। तो हमने तो ये सोचा था कि कलयुग का व्रत है, भक्ति का प्रसार बढ़ेगा, इसलिए तीन वचन देने का वचन क्या दिया, उन्होंने तो हमारा ही चक्कर लगवा रखा है। बोले तुमने हमारे भक्तों को देखा होगा, उससे तुम सोचे कि हम भी ऐसे भक्त बना रहे। बोले जो हमने भक्तों को वरदान दिए वो सतयुग में दिए हैं, वो सतयुग के भक्त है, ये कलयुग के भक्त नहीं। कलयुग के भक्तों को जरा टोल कर टोल के देख लिया करो पहले, वरदान देने से पहले। बोले अब तो किसी तरह से पिंड छुटाओ, आगे क्या क्या देखेंगे। बोले कोई बात नहीं, अब तो उपाय करते हैं। तो देवी सरस्वती माँ का आह्वान किया और कहा कि जाकर भक्त की जीवा पर बैठे, जैसे इंद्रासन को निद्रासन में बदल दिया था माँ सरस्वती ने, ऐसे ही कलयुग के भक्त की जुबान को बैठना पड़ा। और फिर आवाज लगाई कि हे ब्रह्मदेव, बोले क्या है। बोला पहला वचन तो ये कि मैं भगवान की भक्ति करूं। बोले तथास्तु, बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि मुझे भगवत प्राप्ति हो। बोले तथास्तु, और बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि मुझे संसार से विरक्ति हो जाए। बोले तथास्तु। इन भक्तों की जो है बड़ी बात निराली है, मांगना था कुछ मांग लिया कुछ, जो सबसे पहले मांगना था वो सबसे आखिर में मांगा। इसलिए भगवान से मांगो तो भगवत प्राप्ति मांगो, भगवान की भक्ति मांगो, क्योंकि इससे बड़ी धन संपत्ति हमारे जीवन में कुछ नहीं होती। तो जब ध्रुव
अगर उन्हें कुछ नहीं मांगा तो मेरे परमात्मा ने आज ही उन्हें अपने गोद में बैठा रखा है। आज तारामंडल में सर्वोच्च स्थान यदि किसी का है तो ध्रुव का। उत्तर दिशा में जिस तारे का उदय होता है वो ध्रुव तारा है और वही वो भक्त ध्रुव है आज भी मेरे परमेश्वर की गोद में बैठा है। बोले ध्रुव भक्त भगवान की, बोले राम बिहार लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। एक छोटा सा भगवान का भजन करेंगे फिर आगे चलेंगे कथा में। आज बहुत सुंदर कथा होगी।